सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की एनसीबी कस्टडी आज खत्म हो रही है। लगातार 6 दिन तक एनसीबी की कस्टडी में रहने के बाद क्या सिद्धार्थ पिठानी ने वाकई में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिससे एनसीबी को मदद होगी। सूत्रों की अगर माने तो सिद्धार्थ पिठानी ने रिया शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब एनसीबी उस पर काम कर रही है और एक नए सिरे से इन तीनों को एक बार फिर बुलाया जा सकता है जांच के लिए। इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड साहिल सागर को भी लगातार 2 दिन जो है बुलाया गया था पूछताछ के लिए। केशव और नीरज की भी पूछताछ हुई है। तो एक बात तो साफ है कि सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत सारे खुलासे जो हैं किए हैं और एनसीबी को अब उम्मीद है कि ये पूरा केस जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जो ड्रग केस फाइल किया था उसमें उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा। आज फिर से सिद्धार्थ पिठानी की कोर्ट में पेशी है, तो ये भी देखना होगा कि क्या एनसीबी फिर से उसकी हिरासत के लिए यानी कि कस्टडी के लिए अपील करती है या नहीं करती। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी से उन्हें बहुत सारे क्लू मिले हैं। सिद्धार्थ पिठानी पिछले साल जनवरी से सुशांत के साथ रह रहे थे और सिद्धार्थ पिठानी ने कई खुलासे किए थे जिसमें उनका ये भी कहना था कि उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था, उन्होंने ही सुशांत को पंखे से लटका देखा था, उन्होंने ही चाकू से रस्सी काटकर सुशांत को नीचे उतारा था। तो ऐसे में पिठानी का बयान इस पूरे केस में काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और खबर यह है कि उसने एनसीबी को कई जो है डिटेल्स दी हैं। एनसीबी ने उसे बहुत बार जो है नोटिस भेजा था लेकिन हैदराबाद में उसने उन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद एनसीबी ने उसके सोशल मीडिया को ट्रैक करके हैदराबाद में जाकर उसकी गिरफ्तारी की थी।